हाँ तो गाइस कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। आप लोग देख सकते हो कितना कुछ फर्क है इस दोनों वीडियो में, मतलब दोनों वीडियो नहीं एक ही वीडियो है। पहले कुछ ऐसा था एंड आफ्टर कुछ ऐसा है। तो अगर आप भी चाहते हो अपने वीडियो को कलरग्रेड करना तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग कैसे अपने बोरिंग वीडियो को कलरग्रेड करके सिनेमैटिक लुक दे सकते हो, और वो भी अपने एंड्रॉइड फोन से। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, मेरे पास ये वाला वीडियो है जो मैं इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, यही वीडियो में एडिट करूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए इस वीडियो में हम लोग यूज करेंगे अपना प्यारा सा लाइट रूम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि लाइट रूम पे भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। ओके, तो जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो, मतलब कलर ग्रेड करना चाहते हो, उस वीडियो को ओपन करना गैलरी पे एंड शेयर बटन पे क्लिक करना। यहाँ से आपको शेयर करना है लाइट रूम पे। याद रहे, आपका लाइट रूम अपडेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है तो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब हम ओपन करेंगे लाइट रूम को, और जरूर अपना इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नीचे लाइट रूम पे। इधर देखो, तीन ऑप्शन है, गैलरी एंड लाइट रूम। तो हमने वीडियो को लाइट रूम पे शेयर कर दिया, तो आप लाइट रूम पे ही मिलेगा अपना वीडियो। ये देख सकते हो अपना वीडियो। तो वीडियो को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब चलते हैं एडिट पे। एडिट पे आने के बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शन जो काम नहीं करेगा, तो जो ऑप्शन काम करेगा उसी से हम काम चला लेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइटिंग ठीक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं लाइट पे। एक्सपोजर जो है ना, अगर बढ़ाओगे तो अपना वीडियो पे लाइट ज्यादा आ जाएगा। देखो लाइट ज्यादा आ रहा है। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो अंधेरी आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा। एंड कॉन्ट्रास्ट जो है, अगर आप इसको बढ़ाते हो और अपने वीडियो या फोटो पे कुछ ब्लैक पार्ट है तो उसको और भी ज्यादा ब्लैक करेगा। देखो, ओके, तो इसको भी थोड़ा सा माइनस की तरफ रखेंगे। एंड उसके बाद आते हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स अपने वीडियो या फोटो पे देख के पता चलेगा। देखो इस वीडियो पे, इस जगह पे हाइलाइट्स है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से थोड़ा माइनस करूँगा। और शेडो ऐसे रख सकते हो थोड़ा सा, व्हाइटनेस आप बढ़ा सकते हो, और ब्लैक्स भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। कार्प इधर काम नहीं करेगा। अब चलते हैं कलर पे। कलर पे आने के बाद आप लोगों को टेम्परेचर, टीन एंड वाइब्रेंस, सेचुरेशन, इन चार ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर को चेंज करना है। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर को रखूंगा कुछ ऐसे थोड़ा सा, और टीन को मैं इधर से माइनस की तरफ रखूंगा कुछ इतना। ओके, टेम्परेचर क्या है आप लोग तो जरूर जानते होंगे, और टीन जो है ना अपना वीडियो पे जो कलर है वो चेंज कर देगा। देखो एकदम से चेंज कर देगा। तो अगर आप वीडियो को ग्रीन रखना चाहते हो तो आप इस तरफ रखना। एंड जो वाइब्रेंस है, ये अपने वीडियो या फोटो पे अगर बढ़ा दोगे तो कलर और भी ज्यादा कर देगा। तो देखो, देख रहे हो ना, तो मैं कुछ इतना तक रख देता हूँ। और उसके बाद सेचुरेशन ये भी थोड़ा सा प्लस करेंगे। एंड उसके बाद आते हैं ऊपर कलर मिक्स पे। यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारे कलर पैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन पे आते हैं, और ग्रीन पे आने के बाद तीन स्केल आप लोगों को मिल जाएगा। ह्यू जो है वो अपने कलर को चेंज कर देगा। सेचुरेशन जो है वो पहले जैसे काम करेगा। लुमिनेंस लाइटिंग बढ़ा देगा या घटाएगा। तो अगर आप इसको इस तरफ रखोगे और सेचुरेशन को बढ़ाओगे तो इस तरह का कलर आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरफ रखूंगा और इसको भी ऐसे रखूंगा, क्योंकि मुझे जो ग्रीन और लाइटिंग को थोड़ा माइनस करते हैं, और उसके बाद ऐसे कुछ एडिट कर लेते हैं। देखो गाइस, अगर मैं इन सारे ऑप्शन को लेके डिटेल्स में बात करूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो इन सारे चीजों को लेके डिटेल्स पे जानना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। तो देखिए, हमारा कलर ग्रेड हो चुका है। अब हम इधर से करते हैं डन। फिर आते इफेक्ट पे। इधर आने के बाद बिगिनर पे आना है, एंड ये जो अमाउंट है इसको माइनस की तरफ रखना है। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो कितना कलर ग्रेड हो चुका है। ये देखो, ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। अगर आप और भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप टीन को थोड़ा बढ़ा देना, देख सकते हो ग्रीन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको वीडियो को सेव बटन पे क्लिक करके
सेव कर लेना है। सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो कॉपी होके सेव हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और कमेंट करिए आप लोग इस पे डिटेल्स पे वीडियो चाहते हैं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।